पूर्णिमा आपका क्वेश्चन रहा, कुलक से क्या समझते हैं? असामूहिक खेती। नेक्स्ट, किसान की अच्छी हालत। सही जवाब। 1917 में जारशाही का पतन की घटना को क्या कहते हैं? सही जवाब। जार किस देश का शासक था? रूस। सामाजिक उपबन नामक पुस्तक की रचना किसने की? रूसो। रूस में कोल खोज क्या था? सामूहिक खेती। 1929 में किसने रूस में सामूहिक कार्यक्रम शुरू किया? स्टालिन। सही जवाब। पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? 22 फरवरी 1917 को। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं सर क्वेश्चन? पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? 27 फरवरी 1917। चलिए ठीक है, सही जवाब। अभी इस तरह से जवाब नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस में रहिए और सही जवाब दीजिए। पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। स्टॉप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोंकण। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर? फिर से बोलेंगे, ऐसे से नाम बोलने पे सही जवाब नहीं हो पाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी। भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? कन्याकुमारी। परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला? शिवालिक। सही जवाब। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? मेघालय। किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? गोंडवाना। सही जवाब। नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? डोडा बेटा। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? गोंडवाना। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार। सही जवाब। नामचा बरुआ किस देश में है? भारत। केरल के मालवा तट के पास कौन सा द्वीप समूह स्थित है? केरल। क्या बोले? लक्षद्वीप। सही जवाब। वह भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। सही जवाब। अरावली और विध्वांचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? मालवा की पठार। सही जवाब। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। सही जवाब। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है? सही। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, सही माना जाएगा। सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है? तापी नदी किस सागर में जा गिरती है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? लूनी। सही जवाब। झेलम, चेनब, रावी, व्यास और सतलुज निम्न में से किसके नाम है? नदी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा। यस। नेक्स्ट,
गंगा ब्रह्मपुत्र। सही जवाब। गंगा नदी का उद्गम स्थल किस नाम से जानते हैं? व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है? व्यास। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन है? झेलम। कौन नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र। लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है? जनता के। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? 192। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? नेक्स्ट। 192। नेक्स्ट 15। संयुक्त राष्ट्र पूछा जा रहा था आपसे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोला जा रहा था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अंबेडकर। सही जवाब। नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? 28 अप्रैल 1994। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? अस्वास्थ्य, अशिक्षा। सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट। निर्देशांक। सही जवाब। देश का सर्वोच्च कानून है? संविधान। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जुलाई 1946। सही जवाब है। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। सही जवाब। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? भारत। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस वर्ष? सर रुकिए बता रहे। भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 में। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? भारत का संविधान के निर्माता कौन थे? बिना किसी दबाव के लोगों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गणराज्य का नया झंडा कब लहराया? 26 अप्रैल 1994। सही जवाब। उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? भूमि। सही जवाब है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? घटी। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? भूमि प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन सीमित या स्थिर होता है? सीमित या स्थिर होता है? नेक्स्ट। भूमि बोले थे। अस्थाई हम सुने थे। भूमि बोले थे। ठीक है। पूंजी किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित। भारत में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों का कितना प्रतिशत है? 80। सही जवाब।
जाड़े में उपजाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? रबी। बरसात में उपजाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ। हो गया। तो यहाँ पे 10 राउंड की समाप्ति होता हुआ, अब यहाँ पे देखेंगे करण जी नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। से जो लोग एनिमेट होते हैं, पूर्णिमा और गुड़िया, ठीक है, शानदार प्रदर्शन दिए और इसी तरह का अपना प्रयास करते रहिए, लेकिन हमारा सफर आपके साथ यहीं तक रहता है। तो चलिए ठीक है, अब राउंड को आगे बढ़ाते हैं।